हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जंगल टॉक में। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे एक मादा चीता ने अपने मरे हुए बच्चे का बदला एक अफ्रीकन रॉक पाइथन से लिया। दोस्तों आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों वैसे तो चीता जंगल का एक बहुत ही खूंखार और तेज दौड़ने वाला खतरनाक जीव है, जिससे पंगा लेने के लिए जंगल के बाकी जीव भी कतराते हैं। लेकिन आज चीता से एक अजगर ने पंगा ले लिया और उसके बाद वो अजगर का ऐसा हाल हुआ कि अगर आप भी देखेंगे तो आप भी सोच जाएंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पहले एक चीता और अजगर दिखाई दे रहे हैं। चीता जो है वो खाने की तलाश में अपने गुफा से बाहर आ गया है और तभी वो कई सारे मृग के झुंड को देखता है और उनमें से एक को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद चीता एक झाड़ी में से छिपने के बाद मौके का तलाश पर रहता है और वो अजगर भी उनमें से एक को अपना शिकार बनाने के लिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही मृग को पता चलता है कि उनका शिकार करने के लिए शिकारी उनके नजदीक पहुंच चुका है, वो लोग सीधे जोर से जंगल के तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उनको ढूंढते हुए चीता उनके पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। चीता मृग के झुंड को पीछा करते हुए वो एक पत्थर के चट्टान के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां से उन मृग के झुंड के ऊपर अपना नजर जमाता है। और यह सब देखने के बाद चीता को कुछ अजीब सा लगता है, वो सोचता है कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। और उसके बाद चीता उस चट्टान के नीचे जाता है। चीता सूंघते हुए इधर उधर देख लगता है और फाइनली चीता उस अजगर के पास सफलता पूर्वक पहुंच जाता है। दोस्तों ये जो अजगर है ये एक अफ्रीकन रॉक पाइथन है और जब सूंघते हुए चीता अजगर के पास पहुंच जाता है, उसके बाद अजगर को देखते ही चीता उस पर अपने पंजे से हमला करना शुरू कर देता है। दोस्तों अजगर भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो भी चीता के ऊपर जवाबी हमला कर देता है। दोस्तों धीरे धीरे दोनों का लड़ाई जोर पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे से अटैक कर देते हैं। और उसके बाद जब चीता के गुस्से का शिकार होने के बाद अजगर लहूलुहान हो जाता है, अजगर अपने आप को बचाने के लिए वो बिल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चीता जो है वो ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था, वो भी अजगर को बिल में घुसने नहीं देता है। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करके जब अजगर बिल में घुस जाता है, चीता उसके बिल के आगे बैठ के उसका इंतजार करता रहता है कि कब वो अजगर बाहर निकलेगा और वो उसे मार पाएगा। ऐसे ही इंतजार करते करते शाम हो जाता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है और चीता भी अजगर का इंतजार करते हुए पत्थर के चट्टाने के ऊपर लेट कर सो जाता है। और सुबह होने के बाद जब अजगर धीरे धीरे अपने बिल से खाने की तलाश में बाहर निकलता है, चीता भी अजगर के खोज में चट्टानों के नीचे इधर उधर देख कर अजगर को ढूंढने लगता है। दोस्तों घायल अवस्था में जब अजगर धीरे धीरे खाने की तलाश में आगे बढ़ता है, चीता भी उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों घायल हालत और ऊपर से जो चीता के बच्चे को निगल गया था उसका वजन सहन नहीं करने के बाद अजगर उल्टी कर देता है और चीता के बच्चे को पेट से बाहर निकाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। और चीता अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाता है। चीता अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होकर उसे सूंघने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और चीता के बच्चे मर चुका था। यह देखकर दुखी और गुस्से के साथ साथ चीता इधर उधर देखने लगता है और उसके बाद चीता रेवेंज हो जाता है, यानी प्रतिशोध लेने का माइंड सेट कर लेता है। दुख के साथ साथ अपने बच्चे को वहाँ से ले जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन बदनसीबी से अजगर को एक झाड़ी के नीचे चीता देख लेता है और चीता को देखकर अजगर अपना जान बचाने के लिए जोर से भागना शुरू कर देता है और चीता भी उसका पीछा करते हुए उस पर अचानक हमला कर देता है। दोस्तों दोनों में बहुत बड़ा लड़ाई होता है। चीता ने अजगर के सिर पर बार बार हमला करता है और उसके बाद चीता अजगर के सिर को पकड़ कर पंजे से घसीट लेता है और उसके बाद मौके पर ही अजगर का मौत हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक चीता ने अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा अजगर यानी अफ्रीकन रॉक पाइथन का जान ले लिया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।